लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार, लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अंग है 711 ते एक शब्द टोडी राग विच चौथे पातशाह दा संपूर्ण होया। टोडी महला पंजवा, घर पहला दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। संतन अवर ना कहूं जानी, बेपरवाह सदा रंग हर कै, जाको पाख स्वामी रहाओ। टोडी महला पंजवा, टोडी महला पंजवा, घर पहला दो पदे, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। संतन अवन अवर ना काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर कै, जाको पाख स्वामी रहाओ। टोडी महला पंजवा, घर पहला दो पदे, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। टोडी राग विच पंचम पातशाह दा इस शब्द पहले घर विच गाउण दी तकीद करदे ने, ते इह शब्द जिहड़े ने इह दो पदियां दे, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। परमात्मा एक है, एक रस है, सर्वव्यापक है, ते सतगुरु की कृपा द्वारा उहदी बख्शिश हुंदी है। मंगला चरण महाराज आरंभ करदे ने, संतन अवर ना काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर कै, जाको पाख स्वामी रहाओ। की पंक्ति विच महाराज, क्योंकि इस संसार विच रहिंदे आ असीं, थां थां दीआं ओटां लैंदे, डोल जांदा मन, विपतावां नूं वेख के डोल जांदा मन, माया दे चलकारियां नूं वेख के। पर जिहड़े तेरे प्यारे ने, जिहड़े तेरे संत ने, जिहड़े गुरमुख ने, संतन अवर ना काहू जानी, हे प्रभु जीओ, जिहड़े तुहाडे प्यारे ने, उन्होंने नाम तो बिना होर कोई गल जानण दी कोशिश नहीं कीती, पर भी की होएगा की नहीं होएगा, अंज करन नाल आ हो जाएगा, आओ करन नाल आ हो जाएगा, वह थां थां ते चौंकियां नहीं भरदे। बेपरवाह सदा रंग हर कै, क्योंकि हरी दे प्रेम विच रंग विच रंगे होए, वह तो बेपरवाह ने, बेपरवाह सदा रंग रते, उहदे रंग विच रते हुए बेपरवाह, लापरवाह नहीं। ये दो चीज़ां ध्यान नाल समझ लिओ, लापरवाह होना है अपनी जिम्मेवारी तो दौड़ जाना, बेपरवाह होना है उहदे रंग विच जो कर दिता ना, उहदा अगलों की आएगा, अगों सानूं इज्जत मिलेगी, बेइज्जती होएगी, चंगा होएगा जां माड़ा होएगा, उहदे नाल कोई लेना देना नहीं इस चीज़ का। असीं बाणी पंचम पातशाह दी पढ़ रहे हैं, जिन्हां ने एडा वड्डा खजाना जिहदा कि कोई भी मुल पै नहीं सकता, वह साढ़े हवाले किया। पर साढ़े समाज में असीं वेखदे हां कि उन्हां नूं जिहड़ी शहादत होई वह भी कारण यही सी, उन्हां दी शहादत का कारण यही सी कि एडा वड्डा सच इकट्ठा क्यों कर दिता, एडा वड्डा सच बोलिया क्यों गया।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ ਦਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰੋ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮੋਕਲਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਸੁਖਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੈ ਜਾਂ ਕੋ ਪਾਖ ਸਵਾਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਧੀਨਗੀ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ। ਊਚ ਸਮਾਨਾ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੋ, ਊਚ ਸਮਾਨਾ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੋ, ਅਬਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਤਾਨੇ, ਅਬਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਤਾਨੇ, ਐਸੋ ਅਮਰ ਮਿਲਿਓ ਭਗਤਨ ਕੋ, ਐਸੋ ਅਮਰ ਮਿਲਿਓ ਭਗਤਨ ਕੋ, ਰਾਚ ਰਹੇ ਰੰਗ ਗਿਆਨੀ, ਊਚ ਸਮਾਨਾ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੋ, ਅਬਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਤਾਨੀ, ਐਸੋ ਅਮਰ ਮਿਲਿਓ ਭਗਤਨ ਕਉ, ਰਾਚ ਰਹੇ ਰੰਗ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਚਾਰ ਦਿਵਸ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ, ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘਸਾਉਂਦੇ। ਊਚ ਸਮਾਨਾ ਠਾਕੁਰ ਤੇਰੋ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਠਾਕੁਰ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਬਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਤਾਨੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਾਣ ਵਾਲਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਐਸੋ ਅਮਰ ਮਿਲਿਓ ਭਗਤਨ ਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਰਾਜ ਰਹੇ ਰੰਗ ਗਿਆਨੀ, ਉੱਥੇ ਰਚੇ ਮਿਚੇ ਹੋਏ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਏ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਸ ਜਵਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ, ਹਰ ਜਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੀ, ਹਰ ਜਨਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੀ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਰਹੇ ਲਿਵ ਏਕੈ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਰਹੇ ਲਿਵ ਏਕੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਮਨ ਮਾਨੀ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ, ਹਰ ਜਨੈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟਾਨੀ, ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਰਹੇ ਲਿਵ ਏਕੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਜਰਾ ਮਰਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਨਾ ਰੋਗ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਰੋਗਣ ਤੇ ਅਰਸੋਗਣ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਣ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵ ਹੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵ, ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਣ ਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਗੌਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਕਪਰੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ।
जी अज दुख है कल सुख भी नहीं, अज सुख है कल दुख भी आने, उन्होंने एक सहज अवस्था है। तो महाराज कहते ना भाई वह सोग विच ने, ना ही दुख विच ने, ना जरा, जरा हुंदा बुढ़ापा, गुरमुख बुढ़े कदे ना है, क्योंकि उस परमात्मा नाम नाल जुड़े हुए हमेशा ही पॉजिटिवली रहिंदे ने, वह बुढ़े नहीं हो सकते। बुढ़े का मतलब की हुंदा है, निकारमत हो जाना। जो सोच साड़ी नैगेटिव हो जाए ना, बंदा उदों ही बुढ़ा हो जाता है। वेखो गुरमुख जिहड़ा है 90 साल की उम्र विच बंद बंद कट्टिया जा सकता है, 90 साल की, भाई मनी सिंह 90 साल की उम्र है, 80 साल की उम्र खंडा चुक सकता है, बुढ़ा कितों हो जाएगा, बुढ़े नहीं आएंगे। इस करके उन्होंने अंदर ये ना तो बुढ़ापे का डर है, ना ही मरा मौत का डर है अंदर, वो मौत का भी कोई डर नहीं है। हर जन है नहीं निकटानी, जिहड़े हरी दे प्यारे ने उन्होंने नेड़े नहीं ढुकदियां चीज़ा, ये ना दुख ना सोग ते ना ही कोई रोग, क्योंकि रोग जिहड़े ने साडे ये 3 प्रकार के ने, आद ब्याह ते उपाद। महाराज कहते तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास, ता को बिगड़न को लागै जा की प्रभ आगै अरदास। जिहड़े उस प्रभु नाल जुड़े हुए ने वो इन्हां रोगों तो जिउंदे जी मुक्त ने, उहदे उन्हां सोगां तो मुक्त ने, वो बुढ़ापिया च मुक्त ने, वह बुढ़ापिया के चक्कर नहीं पैंदे भी जे वाल चिट्टे आ गए पता नहीं बुढ़े ही हो गए, नहीं कोई फर्क नहीं पैंदा उन्हां नूं इस चीज़ नाल, वह अंदरों पॉजिटिवली अपने जीवन नाल जोश नाल रहिंदे ने हमेशा। ते महाराज कहिंदे भाई ये चीज़ां उन्हां दे निकट नहीं आउंदियां, निरभउ होए रहे लिव एकै, वह ते उस परमात्मा दी लिव विच बिरती ला के सुरती ला के वह ते निरभउ हो के रहिंदे ने हमेशा। नानक हर मन मानी, ते पंजवें नानक पातशाह महाराज कहिंदे भाई उन्होंने हरी दी मन द्वारा जो बात है ना गल है उन्होंने मन ली पूरी तरह, उन्होंने मन के चलते ने, सतगुरु के भाणे नूं सत सत करके मनते ने, इस करके उन्होंने नज़दीक ये चीज़ा नहीं टुकदियां। हाँ जी, टोडी महला पंजवा, टोडी महला पंजवा, हर विसरत सदा खुआरी, हर विसरत सदा खुआरी, ता को धोखा कहां व्यापै, धोखा कहां व्यापै, जा को ओट तुहारी, रहाओ टोडी महला पंजवा, हर बिसरत सदा खुआरी, ता को धोखा कहां व्यापै, जाको ओट तुहारी। रहाओ दी पंक्ति विच पंचम पातशाह महाराज ने कहा फिर साड़ी खज्जल खुआरी कदों हुंदी, जदों असी मालक नूं विसर जाने आ, हर विसरत सदा खुआरी, जदों हरी विसरिया ते खज्जल खुआरी होए आ, तां कई खाते ने भीड़ां चोर कुछ नहीं मिलिया, तां को धोखा कहां व्यापै, हे प्रभु जी उन्हां नूं धोखा किवें व्याप सकदे, धोखा खा ही नहीं सकदे, जा को ओट तुहारी, जिन्होंने तुहाडा आसरा लै लिया ना वह फिर ये माया के धोखिया विच छलां विच नहीं आउंदे, उन्होंने समझ गए, ये माया के छलां नूं जाणदे ने चंगी तरह, समझते ने वह धोखा नहीं खाते जिंदगी, क्योंकि लोग असीं वेखदे आ संसार विच जिंदगी दाव ते ला लैंदे ने, सब कुछ समझदे होए आ जाणदे होए आ भी, कहिंदे ज्वारी उन्हूं पता है ज्वारी कदे भी उहदा घर जिहड़ा दीवा ना बलदा नहीं ज्वारी बंदे दा, पर फिर भी वह दाँ ते लाउंदा हर चीज़ नूं अपने नूं, वी शायद मैं ये तो हो जाऊँगा, शायद मैं ये तो हो जाऊँगा, तो मनुख भी इंज ही करता भी शायद मैनूं आह चीज़ इकट्ठी कर ले तो मैनूं सुख मिल जाएगा, आह चीज़ कर लिया तो मैनूं सुख मिल जाएगा, बाकी नहीं, जिहड़े तेरे प्यारे ने ना वो धोखे नहीं खाते। तो मैं कहते जा ता को धोखा कहाँ व्यापै, जा को ओट तुहारी, जिन्हें तुहाडा आसरा लै लिया ना, जिन्हें तुहाडी ओट लै ली वो फिर ये धोखे माया के छलां विच नहीं आते। हाँ जी, बिन सिमरन जो जीवन बलना, बिन सिमरन जो जीवन बलना,
सर्प जैसे अरजारी, सर्प जैसे अरजारी, नव खंडन को राज कुमावे, नव खंडन को राज कुमावे, अंत चला गोहारी, अंत चला गोहारी, बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। महाराज ने उदाहरण दी बड़ी वधिया कि परमात्मा की याद तो बिना, उहदे सिमरन तो बिना जिहड़ा जीवन है ना, उहते निरी अग वांगू जलदे रहना, अंदर अंदर सड़दे रहना। ते उदाहरण दे रहे ने महाराज, कहिंदे सर्प जैसे अरजारी, जिस तरह सप उम्र ते लंबी आ गई बहुत, पर जहर विच घुलदा रहिंदा है, अंदर जहर ही जहर भरी है, होर कुछ भी नहीं। सप जिहड़ा ना कहिंदे जहर ही जहर है, उहदी जिंदगी बिल्कुल बंदा होके भी सप वांगू अंदर जहर ही जहर भरी बैठा है, काम दी, क्रोध दी, ईरखा दी, होमे दी, हंकार दी। नव खंडन को राज कमावै, अंत चलै गुहारी। ते पंचम पातशाह महाराज कहिंदे भावे नौ खंड पृथ्वी ते, भावे टोटल सारी पृथ्वी ते राज हो जाए उहदा, पर नाम तो बिना यह जिंदगी की बाजी हार के जाएगा। भावें उन्हें सारे संसार नूं क्यों जित लिया होवे, ये आपां वेखदे आ संसार दे विच बहुत सारे राजे महाराजे होए ने, सिकंदर वर्गे जिन्हां ने बड़ी दूर तक राज किया बड़ी छोटी उम्र च, पर नाल ही अपनी जिंदगी चों हार के चले गए। उन्हां नूं कहना पिया लोगों नूं दसण वास्ते कि मेरी हथ बार कढ दिओ तां कि लोगों नूं पता लग जाए। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणि, हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणि।